अभी हम देख रहे हैं सिप्ला की चार्ट, तो सिप्ला में देखिए मार्केट में क्या हो रहा है ना, ये अपसाइड से यहाँ से मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एक शार्प सेलिंग आया, शार्प फॉल के बाद मार्केट क्या हो गया, मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं है। ठीक है, मार्केट कहाँ पे है, मार्केट उसी लेवल के आसपास है। देखिए मार्केट एक रेंज में ही अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो ना, मार्केट बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड कर चुका है, तो यहाँ पे हम लोग का एक ब्रेकआउट अदरवाइज ब्रेकडाउन का इंतजार है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो लॉन्ग साइड, ब्रेकडाउन मिल जाए तो हम लोग शॉर्ट साइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उसी को कैच करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इस चैनल को हम लोग क्या करेंगे, सिप्ला को हम लोग अभी वॉच लिस्ट में जरूर रखेंगे। ठीक है, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आ जाता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्राइजेक्शन को समझ के ट्रेड को इनिशिएट करने की ट्राई करेंगे। ब्रेकडाउन का 2 बार कोशिश किया गया लेकिन फेल हो चुका है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपको चैनल में ट्रेड करना है तो आप यहाँ से बाय शॉर्ट, बाय शॉर्ट ऐसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक आपका ऐसे लीड नहीं हो जाता आप कर सकते हैं, तब तो जब तक आपका चैनल में है तब तक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है, जो लोग डायरेक्शन वाइज ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार कीजिए, चैनल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आ जाता है, उसके बाद हम लोग अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, उसी को कैच करने की हम कोशिश करेंगे।